हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने जो कि रेडमी के फ़ोन में किस तरीके से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर को कॉपी कर सकते हैं, पूरे लिस्ट को और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एक झटके में, मतलब एक क्लिक में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से कि किस तरीके से कॉपी करेंगे। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पर जाना है और यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखता है तो यहाँ से बैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थ्री लाइन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फॉर्म कहाँ से, यानी कि गूगल ड्राइव से, सिम कार्ड से, जो भी है आप उसको इम्पोर्ट करके आप फ़ोन के अंदर ले सकते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे जियो का सिम लगा है, यहाँ पे सिम में भी दिखेगा। और ये वाला जो शेयर का ऑप्शन होता है, इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो सारे नंबर यहाँ पे दिखेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से व्हाट्सअप पे या फिर फेसबुक पे, गूगल ड्राइव पे, जहाँ मर्जी आप इसे शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर को, कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे कॉपी करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।